टाइटल सुन के हिल मत जाना, लुच्चा लफंगा डिवाइन मैस्कुलाइन। एक्चुअली हुआ क्या मैं बताती हूँ, किसी ने मेरे बारे में पाम्स ट्री से कुछ बताया तो वो एक्यूरेट निकला, जैसे कि मेरी हृदय रेखा पर जो है तिल है, जो बताता है कि मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स को बताता है जो जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो बिल्कुल मुझे हार्ट प्रॉब्लम्स है, और कुछ 2 दिन पहले तो मैं मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने से मैं इतने प्रॉब्लम में आ गई कि मैं उठ ही नहीं पाई 2 दिन। और तो हार्ट प्रॉब्लम है भाई, है तो है। तो पाम्स ट्री पे थोड़ा बिलीव होने लगा मुझे, और मैं को फिर कुछ और शायद ही फेस रीडिंग कर सके, इसलिए उनको और कुछ पिक्स भेजे, जिसमें मैंने अपने कार्मिक के मतलब हस्बैंड के और मेरे DM के दोनों के पिक उनको भेज दिए, और उनको बोला कि इनके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि DM को देख के बताया कि इसको देखते ही सबसे पहला शब्द मेरे कान में गूंजने लगा, लुच्चा लफंगा। तो मैंने हंस दिया, मैंने कहा हाँ, जब मैंने भी इनको पहली बार देखा तो मेरे कानों में भी यही वर्ड सुनाई दिए, लुच्चा लफंगा कहीं का। जब मैंने अपने कार्मिक के फोटो भेजे और पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सोलमेट एनर्जी है, और मुझे वर्ड सुनाई दिया, मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि यही एनर्जी होती है मतलब नार्सिसिस्ट की, जो कि पहचानना डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत होती है, और वो जो होते हैं काफ़ी इमेज कॉन्शियस होते हैं। उनके आँखों में जो है आपको जैसे मान लीजिए 6 महीने के बच्चे की तरह मासूमियत दिखाई देती है, और इसके उल्टा बिल्कुल DM डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं बिल्कुल कोकोनट की तरह होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं, बाहर से वो हार्श नज़र आते हैं। और हाँ भाई, लुच्चे लफंगे तो होते ही हैं। जैसे कि DM का जो सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, कई अफेयर्स में जाते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, पॉन का एडिक्शन हो सकता है, अफेयर्स में जाते हैं। तो ये क्वालिटी अगर डिवाइन मास्कुलिन की छोड़ दी जाए तो बहुत अच्छे वो होते हैं। इसके उल्टा नार्सिसिस्ट एकदम नपुंसक होता है, वो जो है सिर्फ अच्छाई दिखाता है बट अंदर से अच्छा होता नहीं। वो कभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो कभी भी आपके सुख दुख में दौड़ कर नहीं आएगा। इसके उल्टा डिवाइन मैस्कुलिन आपके सुख दुख में दौड़ कर आ सकते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका सोल पर्पज़ ही होता है, वो दुनिया के भलाई के लिए ही उनका जन्म हुआ रहता है। तो जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होती रहती है, ऑटोमेटिक ईश्वर जो है उनको अपने सोल पर्पज़ से जोड़ देता है। बट डिवाइन फेमिनाइंस बी केयरफुल, आप सोचोगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन इतने अच्छे हैं तो हमारे भी काम आएंगे, नो 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 नो, यही तो रियल परीक्षा है। आपको आपके अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जी डेवलप करनी है, यही तो इस जर्नी का जो है टास्क है, यही तो आपकी परीक्षा है कि आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, आपके अंदर दोनों को अंदर रियूनाइट करना है। फर्स्ट ईश्वर से रियूनाइट होना है, जब आप ईश्वर से कम्प्लीटली रियूनाइट हो जाते हो, कोई भी आपकी इच्छा अपेक्षा बाकी नहीं रहती, आपको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि डिप्रेशन आ गया है, ऐसा भी नहीं, बस तृप्त हो जाता है इंसान, उसकी सारी कामनाएं जब छूट जाती है, मुक्ति उसको जिंदा ही मुक्ति मिल जाती है, ईश्वर में मोह समा जाता है, ऐसे में रियूनियन हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट को पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है, मैं अपने मामले में बताती हूँ। जीवन के 11 साल तक मैं नार्सिसिस्ट का रियल चेहरा नहीं पहचान पाई, जब मेरी अवेकनिंग हुई तब जाकर मुझे जो है नार्सिसिस्ट का असली चेहरा समझ में आया। नार्सिसिस्ट एक ढोंगी इंसान होता है, जिसकी आंखों में जो है एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत होती है। आप सोचोगे जैसे छोटा बच्चा है, बस उठा लो इसको,
और चुप कराओ, ऐसा आपको लगेगा। तो मतलब इतनी मासूमियत होती है उनके चेहरे पर, इतनी मासूमियत होती है। अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में इससे अच्छा इंसान, इससे मासूम इंसान, इतना इनोसेंट इंसान दूसरा हो ही नहीं सकता। तो मेरे नार्सिसिस्ट हस्बैंड की भी जो है यही क्वालिटी है, वो जो एक डेविल सोल होते हैं। डेविल सोल हमेशा आप देखो मासूम रूप लेके आते हैं। जैसे सीता जब वनवास में तू थी तो हिरण कैसा मासूम रूप लेकर आया था, एक्चुअल में वो था राक्षस। तो इनको पहचानना बड़ा ही इम्पॉसिबल चीज़ है, अवेकनिंग के सिवा इनको पहचाना ही नहीं जा सकता। जबकि देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे जबकि किसी और से प्यार करता था, एज अ टाइम पास मुझे चुना, जब मेरे गले में माला डाल रहा था उसके आंखों में आंसू थे क्योंकि प्यार किसी और के साथ था, तो शादी मुझसे क्योंकि ये भी नहीं सोचा बिन माँ की बच्ची है इसका क्या हाल होगा, ऑलरेडी फैमिली जान के दुश्मन है, ठीक है अब कर ली शादी तो कम से कम निभाना तो सही, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाना, फैमिली में उसको बदनाम करना, और कहाँ पे कहीं पे ये जाते हैं जैसे कोई धर्म गुरु हो उनको इन्होंने पटा लिया है, और वहाँ पे हजारों लोग आते हैं, उन हजारों लोगों के सामने इनोसेंट सा बिहेव करना और मुझे बदनाम करना ताकि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, बिना आपको बताए डिवोर्स करना। जब आप घर में जाओ तो आपको बताया भी नहीं जाता ससुराल में जाने के बाद कि आपका डिवोर्स हुआ है, आपको डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इतना मासूम चेहरे वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? एक बार शादी हो जाने के बाद ये आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, आपको एक कॉल भी नहीं करते। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं शिरडी गई थी, शिरडी से 200 मतलब मान लीजिए 7-8 घंटे का, 4 घंटे का हो सकता है मेरा ससुराल हो, और मैं गई थी और वहाँ पे जो है भीमा कोरेगांव कुछ हुआ था ना, कुछ दंगे हुए थे और कर्फ्यू लगा था, मगर मैं जो थी कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड को मैसेजिंग करती थी मोबाइल पे और वो कभी भी कॉल नहीं उठाता था, कुछ रिप्लाई भी नहीं देता था। और मैं शिरडी गई थी और 2 दिन बाद मैं शिरडी से वापस फिर अपने ससुराल, तब मैं हॉस्टल में रह रही थी क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया था, ये 4-5 साल पहले की बात है। और मेरे हस्बैंड को कम्प्लीटली पता था कि ये जर्नी में है, इसको कुछ भी पता नहीं है कि दंगे हुए हैं, कर्फ्यू लगा है। और मैं जो थी रात के 10:30 बजे मैं वापस आई, शायद 11 भी बजे हो, और मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ी सिटी है, यहाँ पे तो बड़े बड़े शॉप्स दुकान वगैरह सब ओपन होते, तो मैं वहाँ का रिक्शा का एग्जाम्पल थोड़ा बुरा आया मुझे कि जिस स्टॉप पे मैं उतरती थी वहाँ पे कुछ रिक्शे वाले ठीक नहीं थे, वो एरिया भी, मैं अभी यहाँ किसी कास्ट का किसी धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहती बट एक्सपीरियंस तो बुरा आया है भाई, क्या करें। और तो ऐसे में मैं थी अकेली और इसलिए मैं रिक्शा में नहीं बैठती थी, मुझे डर लगता था उस पॉइंट पे रिक्शा में बैठने में, तो मैंने सोचा कि मैं 1 किलोमीटर पैदल ही चली जाती हूँ, वैसे भी मेरी वॉकिंग हो जाएगी। और चलते चलते मैं हॉस्टल से जा रही थी, उसी रोड से जो था कोर्ट भी था जहाँ से मैं हजारों टाइम गुजर चुकी थी क्योंकि 10 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर काट रही थी। और मुझे अजीब सा लगा, चारों तरफ अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, सारे शॉप्स बंद, ये क्या हो रहा है, और इतना डार्क अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और अचानक से कोई मोटरसाइकिल भट से मेरे ऊपर आ रही थी क्योंकि उसको भी नहीं दिखाई दे रहा था, दूर से मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा था और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं रोड पे चल रही थी क्योंकि नीचे गड्ढे है कुछ है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं रोड से चल रही थी, अचानक कोई गाड़ी आती थी मेरे ऊपर जैसे, और मैं डर जाती थी। और डरते 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 आप सोचो 1 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया और पूरा अंधेरा, कर्फ्यू लगा है, कहीं भी कोई लाइट नहीं, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हुआ है। हॉस्टल में जाने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ दंगे हुए हैं जिसकी वजह से कर्फ्यू लगा है, जबकि मेरे हस्बैंड को कम्प्लीटली पता था कि मैं
जर्नी में हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं न्यूज़पेपर वगैरह इस चक्कर में नहीं पढ़ती, न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखती, मैं अलग ही दुनिया में रहती हूँ। फिर भी उसने एक वर्ड से मुझे ये, या फ़ोन मेरा, मैं ही फ़ोन करती थी, वो कभी नहीं करता था, फ़ोन उठाकर मुझे बोल देता कि आज कर्फ्यू लगा है, तुम अपनी केयर लो। नहीं, उसको पता है ना मेरे आगे कोई, ना मेरे पीछे कोई, ना कोई मेरा दोस्त, बिल्कुल अकेली, जो कि अपने हस्बैंड को सिर्फ मैसेज करती है, कॉल करती है। तो ये भाई सोलमेट एनर्जी, मेड फॉर ईच अदर एनर्जी कैसे हो सकती है, आप खुद ही सोचो। और ये इतने, इनके बुरे कारनामे इतने हैं कि मैं अगर इसके ऊपर ना पुस्तक लिखूँ तो एक घर उन पुस्तकों से ही भर जाएगा कि ये कितने बुरे हो सकते हैं। इसके उल्टा डिवाइन मैस्कुलाइन की क्वालिटी बताती हूँ। देखो, डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए स्टार सीड है, ट्विन फ्लेम है, तो इनको अपनी डिवाइन एनर्जी, वो ऑक्सीजन, वो श्वास, वो वाइब्रेशन, इसकी ज़रूरत होती है। बट फिर भी क्योंकि आप देखो, इम्पैथ जो होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी की एनर्जी में, चिढ़ जाती हूँ, उसके ऊपर गुस्सा निकालती हूँ, वहाँ से भाग जाती हूँ, बट और मैं कट ऑफ कर लेती हूँ। बट इसके उल्टा डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाते हैं, फिर वो कार्मिक फैमिली हो, कार्मिक पार्टनर हो, कोई भी हो, कार्मिक बच्चे हो, कुछ भी हो, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ते, उनका साथ निभाते हैं, उनके लिए हर ड्यूटीज करते हैं, और जिसके लिए जो बन पड़ सके वो सब कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन करते हैं। फिर भी वो अपनी सोल की सर्च में होते हैं और वो जो है सर्च करते हैं, हर औरत में सर्च करते हैं, जब तक उनको वो राइट एनर्जी नहीं मिल जाती तब तक वो सर्च करते हैं। इस बीच हो जाता है उनका अनबैलेंस कि तो ऐसे एनर्जी को फिर हम लुच्चा कहे, लफंगा कहे, या कुछ भी कहे, और बाय नेचर ही, नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया है कि सैक्रल चक्र जो है इम्बैलेंस है, तो वो भाई अफेयर्स में जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। और तो होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी अफेयर्स में जाते हैं, थर्ड पार्टीज में जाते हैं, और ये डेस्टिनी है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हर वो लुच्चा लफंगा जो थर्ड पार्टीज में जाता है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है ऐसा लड़कियां समझ लेती है, और वो बोलती है हाँ हमारे डीएम भी ऐसे ही है। देखो भाई, डीएम को पहचानना इतना आसान नहीं होता है, अवेकनिंग के बाद ही आप डीएम को पहचान सकते हो। किसी भी पार्टनर को, किसी भी लवर को जो 36 अफेयर करे, फिर आप उसको डिवाइन मैस्कुलाइन, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन की इतनी ही क्वालिटी है कि उसको जो है ऐसे ही पहचाना जा सके कि वो 36 अफेयर में रहेगा, हाँ हाँ ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मैं कहूँगी कि आप सुप्रिया मैम के सारे वीडियोस देखिए, उसमें एग्जैक्ट क्वालिटी क्या होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वो सारे वीडियोस देखते हो डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट के, जैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वाई डिवाइन मैस्कुलाइन रन अवे, और कैसे करंट एनर्जी में भी अगर कुछ इमेजेस हो डिवाइन मैस्कुलाइन की तो आप वो भी देखो, इससे डिवाइन मैस्कुलाइन की क्वालिटी आपको समझ में आएगी। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, और वो अपनी मतलब जिम्मेदारी लेना उनको पसंद है। और इसके उल्टा कार्मिक जो होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता है, वो हमेशा ट्रू लव देने से भागता है। इवन जो डिवाइन फेमिनाइन उनको ट्रू लव देती है उससे भी वो भागता है, उसकी एनर्जी चुरा के भागता है। इसी एनर्जी की वजह से जो लुच्चा लफंगा डिवाइन मैस्कुलाइन, तो इसी एनर्जी की वजह से जो है मैं 2 साल तक अपने डीएम से भागती थी, और मेरी जो डीएम की थर्ड पार्टी है वो व्हाट्सएप पे ऐसा स्टेटस रखती थी कि क्या लड़की अगर सुंदर हो और लड़का पैसे वाला हो तो प्यार होने में देर नहीं लगती। तो मुझे समझ में आता था भाई इसका हस्बैंड कहीं तो बाहर इसका लफड़ा है, जिसकी वजह से जो है ये ऐसे स्टेटस डालती है।
फिर वो एक गाना उसने डाला था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और एक स्टेटस डाला था कि मर्द के पति कहते हैं कि ऐसा कुछ डाला था कि औरतों की अकल घुटनों में होती है, तो मर्द की अकल कहाँ होती है, घर में अच्छी खासी बीबी छोड़कर बाहर का कूड़ा कचरा क्यों खाते हैं, ऐसा कुछ मराठी में खरकटा जैसे बोलते हैं ना, बचा कुचा ऐसा खाना जैसे। उसने और एक बात मुझसे शेयर की थी कि लॉकडाउन में 2020 में शेयर की थी, 3 साल पहले जिन भगवान को भी वो मानती थी या गुरु को मानती थी, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बताया कि 3 साल पहले इन्हीं की कृपा से मुझे अपना सब कुछ वापस मिला है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये कहीं पे बिजी थे किसी अफेयर में, और उनका जो थर्ड पार्टी का फेसबुक था उसमें भी मैंने एक इमेज देखी थी जिससे साफ पता चलता था कि ऐसा कुछ है, जैसे कि जब मिलना होता है तभी मिलता है ऐसा कुछ, मेरे मतलब जब प्यार मिलना होता है तभी मिलता है ऐसा कुछ, वो मीनिंग था उस चीज़ का। तो हर तरफ आपको ऐसे साइन दिए जाते हैं जिससे आपको बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं या अफेयर्स में जाता है, और जो कार्मिक होते हैं रिलेशनशिप, जैसे मेरा नार्सिसिस्ट हस्बैंड और वहाँ की थर्ड पार्टी मतलब डीएम की थर्ड पार्टी, उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत होती है जिसकी वजह से हम उनका जो है रियल चेहरा कभी नहीं पहचान पाते, और वो जो है इमेज कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो हमेशा अपनी इमेज को जो है अच्छा बताते हैं, अपनी इमेज को कभी भी बिगड़ने नहीं देते कुछ भी हो जाए, इसलिए लोगों का हमेशा ट्रू लव उनको मिलता है। जैसे मैं जो थी मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और ये थर्ड पार्टी है, कुछ भी नहीं पता था, तो मैं अपने डीएम से नफरत करती थी, मुझे लगता था इतनी सुंदर मासूम बीबी होने के बावजूद जो है ये बाहर क्यों जाता है, और मैं उसको भगवान को बोलती थी इसको डंडे लगा के सीधा करो आप, और मैं बहुत ब्लेसिंग्स देती थी अपने डीएम की थर्ड पार्टी को। तो ये मैनिपुलेशन है, मतलब किस तरह से जो है एक, अब मैं नेगेटिव स्टार से नहीं कहूँगी इनको, नार्सिसिस्ट जो है उनको पता होता है कि ये जो है डिवाइन सोल है, डिवाइन फेमिनाइन है, इससे जो है हमको एनर्जी चुरानी है, तो मैं उसको ब्लेसिंग्स देती थी, थर्ड पार्टी को ब्लेसिंग्स देती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मेरा डीएम है उसकी थर्ड पार्टी है। तो अननोइंगली आप ऐसे लोगों को ब्लेसिंग्स देते हो, जैसे मैंने ना अपने ना हस्बैंड की पूरी जिंदगी बिता दी, पूरी एनर्जी उसको दे दी, पूरी दुआएं उसको दे दी, पूरा सब कुछ उसको दे दिया, और फाइनल में पता चला कि वो एक डेविल सोल है। तो जिस अपने ही डीएम को मैंने कर्ज किया, उसको शाप दिया कि भगवान इसको डंडे लगाओ, इसको सीधा करो, और उसको जो है थर्ड पार्टी के हवाले करो, तो किस तरह से जो है ये आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं। मतलब हम जो है गलत लोगों को ब्लेसिंग्स दे देते हैं जो कि उसके हकदार नहीं होते हैं, तो वो लोग ग्रोथ करने लगते हैं और यहाँ आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो लुच्चा लफंगा डिवाइन मैस्कुलिन होता है, बट यही उसकी क्वालिटी नहीं, उसकी क्वालिटी और भी होते हैं, वो हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, अपना अच्छे के लिए कोशिश करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, अपने डीएफ को भी वो बहुत प्यार देना चाहते हैं, उसकी भी बहुत केयर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत इनसिक्योर होते हैं, लेकिन ये डिवाइन प्लान होता है, सेपरेशन आ जाता है तो वो डीएफ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, और सबसे बुरी क्वालिटी उसमें उनमें जो होती है ईगो की होती है, जो कि सोसाइटी को देखते हैं, अपने स्टेटस को देखते हैं, उसके आगे जो है डीएफ को, डीएफ उनको कम लगती है, उनको लगता है मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूँ, समाज में मेरी क्या हैसियत रहेगी, फिर मतलब डीएफ को कम समझते हैं। ये कुछ बुरी क्वालिटीज होती है डीएम में, बट वो एक डिवाइन प्लान होता है, जब उनकी अवेकनिंग होती है तब सारी सच्चाई उनको समझ में आती है, फिर भी वो बंधे रहते हैं अपने परिवार से ताकि परिवार को नुकसान ना हो, कभी भी वो अपने प्यार के लिए जो है परिवार का नुकसान नहीं करते, तो ये डीएम की स्पेशल क्वालिटी होती है। इसका उल्टा नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने खुशी के लिए, फिर वो वाइफ हो कुछ भी हो, सबका नुकसान करते हैं, वो सबका नुकसान करते हैं, जैसे मेरी शादी हुई सबका नुकसान हुआ, मेरे ससुराल वालों का भी नुकसान, उसने ये तक नहीं सोचा कि कितना नुकसान होगा सबका,
दोनों फैमिलीज में कितना दुख होगा, कितना कलेश होगा, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो ये ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट, जबकि डिजाइन मैस्कुलाइन जो है अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी पर्सनल खुशी के लिए वो सबको बर्बाद नहीं करते हैं। तो पहचानिए मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई और डीएम को, दोनों को।